थपकी थपकी प्यार की। दादी माँ, मैंने तो दूध में कॉफी मिलाई थी, ये मुझे नहीं पता कैसे हो गया। का क्या मतलब है? लापरवाह तो तुम हो, वो भी एक नंबर की। दूध में तुमने कॉफी की जगह राख मिला दी, वो भी दादाजी की। नहीं पापी, मैंने ये थपकी तुमने इसमें मिलाया है। हम सबको स्टूपिड समझ के रखा है क्या? भाभी आप जानती हैं थपकी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। दादी माँ आप बताइए ना। दादी माँ विहान ठीक कह रहे, थपकी इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकती। हाँ ध्रुव, मैं खुद इतने शौक में हूँ कि थपकी ऐसे कैसे कर सकती है। पहले भैया भाभी की एनिवर्सरी पे इतनी बड़ी गलती की, फिर उसके बाद पंडितों के भोजन को उसने खराब कर दिया, और अब इतनी बड़ी गलती। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। थपकी ये गलती नहीं कर सकती है ना। थपकी तुम ये गलती नहीं कर सकती ना। पर चुण। अच्छा कॉफी तो तुमने ही बनाई थी है ना। हाँ, लेकिन मैं ये इसके दादी माँ से कलश लेकर तुम ही घर के अंदर गई थी ना। हाँ लेकिन ये, अच्छा तो एक बात बताओ, वो कलश ले जाकर तुमने दादी माँ के रूम में पहले रखा था या सीधा किचन में लेकर गई थी? बोलो थपकी बोलो। किचन में लेके गई थी। तो किचन में तुम्हारे अलावा और कोई था? नहीं, कोई भी नहीं था मेरे अलावा। और दादी माँ पहले तो ये कलश खोल के देखा तक नहीं था। तो रात का अपने आप उड़ के आ गई काफी के अंदर। हाँ, ये किचन में ले जाने के लिए किसने बोला था? हाँ सही कह रही है प्रीति भाभी, ना ही तुम वो कलश किचन में लेकर जाती हो, ना ही दादाजी की राख कॉफी में मिक्स करती। कितनी बड़ी गलती करती तुम्हें पता भी है? ये भगवान थपकी, इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? भगवान ने तुमको दो आंखें दी है ना देखने के लिए, अपनी आंखों से देख नहीं सकती? तुमको फर्क नजर नहीं आता कॉफी माँ और राख माँ? हाँ, और राख डाली तो किसकी? स्वर्गीय दादाजी की। कम से कम ये तो सोचा होता था कि दादी माँ पे क्या बीतेगी। देखो जरा दादी माँ की क्या हालत हो गई। अंदाजा भी नहीं लगा सकती दादी माँ पे क्या बीत रही है इस वक्त। दादी माँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तो सच में कॉफी मिलाई थी। मैं नहीं जानती ये सब कि कैसे हो गया मुझे। मैंने इतना प्यार अपनी बहू से किया जितना तुझसे ही किया, और तूने ये किया मेरे साथ। ध्रुव के दादाजी की राह उसकी आखिरी निशानी थी मेरे पास। मुझे लगता था कि वो आज भी मेरे पास है। इस राख से डोर बंदी हुई थी हम दोनों के बीच में, तोड़ दी तूने वो डोर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज उन्हें फिर एक बार खो दिया।
थपकी? तुम तो हम सबको अपना मानती हो ना, फिर ये क्या किया? क्यों? नहीं, नहीं मानती है हमें अपना। अगर मानती तो इस तरह मेरे दिल नहीं दुखाती। मैं ऐसा मत कहिए माँ, सबकी बिटिया ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ दादी माँ, आप बस थोड़ा सा शांत हो जाइए। बस आज कोई तरफदारी नहीं करेगा तबकी की। तबकी ने इस घर के लिए इतना कुछ किया तो उसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसी गलती बार बार करेगी और हम इसे बार बार माफ करते रहेंगे। तुझे पता है मैं जब भगवान के आगे हाथ जोड़ती थी ना तो माफी मांगती थी, क्योंकि इस घर में बहुत बुरा हो रहा था तेरे साथ, और ये दुआ मांगती थी कि तू अगले जन्म में इस घर की बहू नहीं बेटी बने। और तूने इतना बड़ा अनर्थ कैसे होने दिया मेरे इस घर में? नहीं दादी, मैंने ये नहीं सोचती थी कि इस बच्ची की किस्मत खराब है, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं। नहीं, गलत थी मैं, गलत थी। मसी को बिल्कुल ठीक कहती है वो, रोक रोक कर बोलने वालों के दिल काट जाते लोगों का उम्र के साथ साथ दिल कमजोर हो जाता है, लेकिन इस कमजोर दिल से निकलने वाली दुआ या बद्दुआ कमजोर नहीं होती। मैंने तुझे हमेशा दुआएं दी, लेकिन आज पहली बार। नहीं दादी माँ, प्लीज प्लीज नहीं। अरे दुआ तो आज भी नहीं दे पाऊंगी तुझे, पर तू मेरी दुआओं में शामिल नहीं हो सकती। थोड़े दिन बाद तू इस घर से जाने वाली है ना, सोचकर मेरा दिल बैठा जाता था कि क्या होगा, इस घर का क्या होगा। कितनी याद आएगी हमें तेरी, लेकिन सोचती हूँ कि तू जाएगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा बल्कि अच्छा लगेगा। अच्छाई का दिखावा करने वाली लड़की अब इस घर में नहीं है।
थपकी जब इस घर से जाए तो कोई आंसू ना बहाए, भूल के भी किसी के दिल में थपकी की याद ना आए। ये फाइल साहब, साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर, मुझे मार डालेंगे साहब, मुझे बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, प्लीज साहब। कौन हो तुम और कौन तुम्हें मार डाले? मेरे खुद के ससुराल वाले, ये देखिए सर। हाँ? ये सब कैसे? सर बहुत प्यारा सर, ये देखिए क्या हाल किया है, गधा समझ के कुत्ते की तरह मारा था। सर, सर वो लोग मेरी हमेशा बेइज्जती करते, नौकरों की तरह रखते हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सब कुछ सहन करता हूँ। क्या है, घर जमाई जो हूँ मैं उसका सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता हूँ। साहब सच तो देखो, उन्होंने मुझे जलाने की भी कोशिश की। ओ माय गॉड, वो सब कुछ इसीलिए कर रहे ताकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर और किसी लंबे लड़के के साथ कर सके। सर, सब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, साहब प्लीज मुझे बचा लो, मेरा जीवन आपके हाथ में ही है, पत्नी के बिना मैं क्या करूंगा साहब, आप कुछ भी करके घर में मुझे वापस भेज दीजिए, वरना मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं है साहब, मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा, कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। ठीक, और ये तीसरी विकेट भी डाउन। प्रीति भाभी, सुमन भाभी, अश्विन भैया, संजय भैया, इनको तो थपकी के खिलाफ मैं कर ही चुकी हूँ, बची थी दादी माँ, आज वो मुराद भी पूरी हो गई, इनको भी मैंने थपकी के खिलाफ कर ही दिया। अब बचे हैं हमारे प्यारे बाऊजी, बस एक बार बाऊजी थपकी के खिलाफ हो जाए तो फिर थपकी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए आउट, मेरी लाइफ से भी और ध्रुव की लाइफ से भी, और फिर ध्रुव हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, हमेशा के लिए। मम्मी जी आप यहाँ? मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं श्रद्धा, उसका बिल्कुल सच सच जवाब देना। हाँ मम्मी जी, पर बात क्या है? आप माँ जी को थपकी के खिलाफ करने के लिए क्या उस काफे में तुमने राख मिलाई थी? सही सही जवाब दो श्रद्धा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि थपकी चाहे चाहे कैसी भी हो, ऐसी हरकत वो नहीं कर सकती है। मम्मी जी आप ये बात कह रही हैं? आप मुझ पे शक कर रही हैं? अपनी बहू पे, अपनी श्रद्धा पे? ऐसा कह के तो मम्मी जी मुझे यही लग रहा है कि आप उस पे ज्यादा विश्वास करती हैं और मुझ पे नहीं। रुको रुको, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है श्रद्धा, लेकिन मुझे लगा कि कहीं थपकी को इस घर से निकालने की जल्दी में तुम्हें थपकी को इस घर से निकालने के चक्कर में मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगी मम्मी जी। दादाजी की राख उस कॉफी में? हे मम्मी जी प्लीज आप मुझे इतना मत गिराइए, मैं जानती हूँ कि मैं थपकी से बहुत नफरत करती हूँ, बहुत बहुत नफरत करती हूँ, और मैं
चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ से और ध्रुव की लाइफ से बहुत दूर चली जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको दूर करने के चक्कर में मैं ये गिरी हुई हरकत करूंगी। मम्मी जी प्लीज, आपकी बहू ऐसी नहीं है। मम्मी जी एक बार बस अपने मुंह से कह दो कि इस पाप में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मम्मी जी इस पाप में मेरा कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी किया है वो सबकी ने किया है। मम्मी जी मैंने कॉफी में राख नहीं मिलाई। सच्चुता अब जाके जान में जान आई है, वरना सच बताओ अगर तुमने ये किया होता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाती। और उससे बड़ी बात ये कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती कि मैंने इन सब हरकतों में तुम्हारा साथ दे दिया। इन थपकी को वो क्या गया है? ऐसी चीज थपकी कैसे कर सकती है? मम्मी जी सब किस्मत का खेल। मुझे लगता है कि हमारी तरह भगवान भी नहीं चाहता है कि थपकी जैसी गलत लड़की इस घर में रहे। इसीलिए देखिए ना, जो हम उसके साथ करना चाहते थे वो खुद ये सारी हरकतें कर रही है। इतनी बड़ी गलती की कि दादी माँ का ट्रस्ट उसने खुद खो दिया। मम्मी जी सोचिए आप। हाँ सही कह रही हो तुम, थपकी ने जो कुछ भी इस घर के साथ किया है ना उसी की सजा मिल रही है उसे। ये बात में सही है श्रद्धा कि बुरे लोगों के साथ भगवान भी बुराई करते हैं। पर ये सजा भगवान ने नहीं मैंने दी है थपकी को मम्मी जी, और वो भी आपसे छुपकर। I really don't care आप अपने आप को माफ करती हैं या नहीं, बट मैं थपकी को कभी माफ नहीं कर सकती। एक बार क्या, हजार बार भी आपसे झूठ बोलना पड़े ना तो भी मैं बोलूंगी, पर थपकी को अपनी लाइफ से हटा के ही रहूंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी ना तुम्हारी उन्होंने। अगर दादी माँ ने सेम टू सेम मेरे साथ किया होता ना तो मैं तो शर्म से मरी गई होती। पर तुम तो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रियली। अरे बाप रे, इतना रो रही हो, रो रो के क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। इतना थोड़ी ना रोते है पगली। चलो कॉफी पी, बनाई मैंने अपने लिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। पी लो कोई बात नहीं, पी लो। अरे बिहान जी कहाँ थे आप? अच्छा हुआ आप आ गए। वही मैं सोचूं कि दादी माँ ने थपकी को थप्पड़ मारा और बिहान जी उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास गई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल ना। आप मुझ पे नजर रखने का दूसरा प्लान बना रहे होंगे है ना? नो बिहान जी, आप जीप और गरम होके जीप और गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया इस बार? इस बार तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जो भी किया वो आपकी धर्म पत्नी ने किया। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी उसने। इस बार मैंने कुछ नहीं किया सच्ची। आपको पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तो कॉफी पीनी चाहिए। तो कि नहीं आप ही कॉफी पी लीजिए।
थक्की तो जिंदगी भर कॉफी नहीं पी पाएगी, पर आप पी सकते हैं। विहान जी माफ कर दीजिए ना, गलतियां तो होती रहती हैं, भले ही बार बार हो क्या फर्क पड़ता है। खैर छोड़िए, आप कॉफी पीजिए। पीजिए कोई बात, यहां रख देती हूँ, जब बनाए पी लीजिए। एंजॉय। एंड यू प्लीज कैरी ऑन। जाती मैं। Thank you.